जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी डबल एस बी यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट एंड फॉर्म फिलअप वीडियो लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर दोस्तों भी जो आप देख पा रहे हो ये आपकी अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक है और मैं आपको बता दूं इसके ऊपर आने के लिए आपको गूगल में जाना है और जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको ऊपर की तरफ यूपीएससी डबल एसबी रिक्रूटमेंट 2021 के नाम से पेज मिल जाएगा। वहां पर आपको कंप्लीट जानकारी दी गई होगी इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वहीं से आपको नीचे की तरफ से अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आप यहां पर देखोगे कि आपको यहां पर इसमें 16 मार्च 2021 से लेकर के 11 अप्रैल 2021 तक अप्लाई करने का समय दिया है। तो आपको अप्लाई करने के लिए यहां पर जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने पद निकाले हैं, उस पर आपको क्या पे स्केल दिया जाएगा, उसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा। तो आपको क्या करना है, जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आपको जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि हम यहां से हिंदी के सामने जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं जाना तो आप यहां पर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी के बारे में यानी कि सब्जेक्ट वाइज जान सकते हो कि किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहां पर आपने इसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। आपको यहां पर इसको ऑन कर लेना है नीचे आकर के और यहां से आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां से इसको ऑन कर लेते हैं और यहां से फिर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर दोस्तों देखोगे कि आपसे पूछा कि ये जब भर्ती 2020 के अंदर निकाली गई थी एडवर्टाइजमेंट 1/2020 और 2/2020 के नाम को देकर के तो तब क्या आपने इसमें अप्लाई किया था और वह उस वक्त आपने क्या फीस जमा की थी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसने इसमें 2020 के अंदर अप्लाई किया था और फीस भी जमा की थी तो आपको यस करना है। अगर आप यहां पर यस कर रहे हो तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और जो वेरिफिकेशन कोड है जो कि नीचे आपको देखने को मिल पा रहा है ये आपको डाल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हो तो आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर क्लिक करके यहां से इसको सर्च करने के जो ऑप्शन है इनका इस्तेमाल करके सर्च करना है, जो कि आप तीन माध्यम से कर सकते हो, यूजिंग पर्सनल डिटेल, यूजिंग मोबाइल नंबर और यूजिंग ईमेल आईडी। अगर पर्सनल डिटेल्स के माध्यम से करना चाहते तो यहां पर आपको अपना नेम डालना है, यहां पर आपको अपने फादर का नेम डालना है, यहां पर आपको डीओबी सिलेक्ट करनी है और जो वेरिफिकेशन कोड है डाल करके आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर के माध्यम से करना चाहते तो यहां पर आपको जो जानकारी फिल करनी है और किस माध्यम से आप इसको कर पाएंगे वो भी आपके सामने, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और वेरिफिकेशन कोड डाल करके वैलिडेट एंड सेंड इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके नंबर पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। तो बेसिकली अभी हम बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने इसके अंदर अप्लाई पहले नहीं किया था। बेसिकली अगर आप इसमें अप्लाई कर चुके हो पहले तो तब भी आपको यहीं से आगे बढ़ना होगा जहां से फ्रेशर कैंडिडेट बढ़ेंगे। तो हम यहां पर नो कर देते हैं और नो करने के बाद यहां पर ये जो ऑप्शन है ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ये आपसे आपके सामने से हट जाएगा और जो आगे की इंफॉर्मेशन होगी वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है और जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए भी और आपके लिए भी सेम होगी। नो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको अपना नेम फिलअप करना है और ये नेम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम यहां पर देना होगा। फिर नीचे सॉरी सामने आपके आता है मदर नेम, तो आपको अपनी माता जी का नाम एंटर करना है। यहां पर आपकी जो भी डीओबी है वो डीओबी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे उसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो यहां से आपको चूज करना होगा। इसको चूज करने के बाद यहां से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, आर यू मैरिड, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। सिटीजनशिप में आपको यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है।
डोमिसाइल स्टेट यानी कि आप कौन से स्टेट के निवासी है वही स्टेट आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको रिजर्वेशन के जो फायदे हैं उन कैटेगरी को भी चूज करने के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि अभी यहाँ पर आपके सामने एक्टिवेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो अतिरिक्त ऑप्शन है वो आ चुके हैं, जैसे कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एक्स आर्मी सर्विसमैन अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग अगर आप है तो यहाँ पर यस कीजिए। और बेसिकली आपको यहाँ पर अपनी अगर आप दिव्यांग है अपनी कैटेगरी चूज आप कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी नेशनल लेवल ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन थ्रू स्टेट टीम ऑफ यूपी, अगर आपने किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे आर यू फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इसको ओके कर देना है। और इसके बाद आपके सामने आता है मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और ये वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ देखोगे कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, तो यहां पर दोस्तों नेम सीओ में आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको यहां पर अपना हाउस नंबर या फिर विलेज का नाम दे देना है। जो भी आपका विलेज है या फिर हाउस नंबर है वो यहां पर आप एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपने जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका नाम दे दीजिए। और इसके बाद आपको स्टेट यहां पर उत्तर प्रदेश ही रहने देनी है अगर आप उत्तर प्रदेश से है, नहीं तो आप अपनी अन्य स्टेट भी चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है उस स्टेट में वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपकी तहसील कौन सी है वो यहां पर अपडेट हो जाएगी, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपका जो ब्लॉक नेम है वो भी आपके सामने ऑप्शनल है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका ब्लॉक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहां पर पुलिस स्टेशन की जानकारी है, तो आपका जो भी पुलिस स्टेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है विलेज नेम, तो अगर आपका यहाँ पर विलेज नेम सही से आ रहा है जो कि ऑप्शनल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें आपके काफी सारे विलेज है, जो भी आपका विलेज है वही विलेज आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने नीचे जो अन्य जानकारी है वो आ जाएगी, आपको नीचे आना है और आप देखोगे एकेडमिक डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल की जानकारी देनी है, तो आपने किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर अदर है तो आप अदर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहां से जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको रोल नंबर आपको खुद से एंटर फिल करना होगा। फिर यहां पर एवलेशन टाइप यानी आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स परसेंटेज ग्रेड जिसके अंदर भी थी वही आपको चूज करना है। मैं यहां से मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो तो आपको यहां पर ऑब्टेंड के अंदर वो नंबर डालने जो कि आपको प्राप्त हुए थे 10th के अंदर, तो चलिए हम यहां पर वो नंबर एंटर कर देते हैं। और कितने में से आए थे वो आपको यहां पर मैक्सिमम के सामने एंटर करने होंगे। इसके बाद जो आपकी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहां पर कैलकुलेट कर ली जाएगी और डिवीजन आपकी क्या थी वो आपको चूज कर लेना है। 10th की जानकारी फिल करने के बाद दोस्तों नीचे आपके सामने इंटरमीडिएट का ऑप्शन, अगर आप 12वीं पास भी हो तो आपको इस ऑप्शन को टिक कर देना है। और टिक करने के बाद सेम तरीके से आपको जानकारी भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है, यानी कि बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, फिर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कीजिए, यहां पर अपना रोल नंबर एंटर कर दीजिए 12th का, एवलुएशन टाइप चूज कर लीजिए, ऑब्टेंड मार्क्स यहां पर डाल दीजिए, मैक्सिमम और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहां पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन दी गई है जैसे कि बीए हिंदी एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया, और यानी कि यहां पर आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए काफी सारे विकल्प है, तो जो भी क्वालिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उसमें आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के सामने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो आपको चूज करना होगा, नहीं तो आपको यहां पर एक्वर्ड के सामने यस और नो में आंसर करना है कि हां मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं है। अगर आप यस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है और उसके बराबर की है तो तब आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को चूज करना होगा। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने स्टेट नेम बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेम है, तो आपको यहां पर क्लिक करके कौन सी स्टेट से आपने की है उसी स्टेट को यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहां से उत्तर प्रदेश हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों काफी ज्यादा टाइम ले रही है वेबसाइट प्रोसेसिंग होने में, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है आपको डिटेल को समझाने में, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से सभी जानकारी एक्सप्लेन कर पाऊं और आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक न हो। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो नीचे है आपका प्लीज सिलेक्ट यानी कि आपने किस इंस्टीट्यूट से की है या फिर किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। यहां पर काफी सारे दिए गए हैं, इनमें से अगर आपकी है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको यहां पर अदर्स का ऑप्शन भी दिया यानी कि आप अदर्स सिलेक्ट करके उस जानकारी को अलग से भी भर सकते हैं। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट रोल नंबर ऑफ इश्यूइंग डेट, तो यहां पर दोस्तों आपको कौन से ईयर के अंदर
ईयर आपने पास की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर आपको डालना होगा जो कि आपका इश्यूएंस डेट का होना चाहिए। इसके बाद एवोल्यूशन यानी कि किसके अंदर आपके नंबर थे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके सेम तरीके से जानकारी भरनी है जैसे कि आपने टेंथ की जानकारी और ट्वेल्थ की जानकारी भरी है। जितने मार्क्स आपको मिले थे वो आपको ऑप्टेंड मार्क्स के अंदर डालना है और जितने में शायद आए थे वो आपको मैक्सिमम के अंदर डालना है। टोटल मार्क और परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे सीरियल नंबर 2 और आपके सामने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करके रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर जिन क्वालिफिकेशन के सामने मैंडेटरी आपको देखने को मिल पा रहा है इसका मतलब ये कि इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके ऊपर मैंडेटरी है। और जो तीसरा ऑप्शन है हिंदी में अप्लाई करने के लिए ये आपका ऑप्शनल है यानी कि आप इनमें से मैंडेटरी में से कोई एक क्वालिफिकेशन दे सकते हैं और जो तीसरा ऑप्शन है इसको भी यस कर सकते हैं। बट आप 2 या 3 ऑप्शन को लगातार यस नहीं कर सकते। या मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में यहां पर जानकारी को फिल करके दिखाया है बट आपको मैंडेटरी में से कोई एक ग्रुप की जानकारी में यस करना है और तीसरे में आप करना चाहे यस कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसमें जो मैंडेटरी के ग्रुप है उनमें से आपको एक ग्रुप की जानकारी तो आवश्यक रूप से भरनी है और जो ऑप्शनल है उसको आप भरना चाहे तो भर सकते हैं नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। बट जो 3 ग्रुप है या फिर 2 ग्रुप है जिनके सामने मैंडेटरी है वो आप 2 अप्लाई यानी कि 2 की जानकारी इकट्ठा नहीं भर सकते। आपको किसी एक ग्रुप की ही जानकारी देनी होगी क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप यहां पर इसमें ये जानकारी फिल कर दे, फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहां पर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और ये जो कैप्चा कोड यहां पर डाला है इसको फिल करने के बाद आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को अच्छे से चेक करके जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहां पर नीचे टिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी सबमिट हो जाएगी यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको नीचे की तरफ आपका यहां पर जो फीस का अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहां पर आपको स्टेट बैंक ऑफ फीस को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारे विकल्प आ चुके हैं जिनमें से आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहे वही माध्यम आपको चूज कर लेना है और उसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करना है। फिर आपको यहां पर अपनी जानकारी फिल करनी है और जानकारी को फिल करने के बाद जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाए तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब ये इंटरफेस वही है जो कि आपके सामने शुरुआत में भी आया था कि क्या आपने उत्तर प्रदेश यानी कि जब ये भर्ती 2020 में निकाली थी तब भी इसमें फीस को जमा किया था। अगर आपने किया था तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यहां पर यस कर रहे हो तो आपको यहां पर पहले की तरह अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहां पर अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है, फिर आपको नीचे यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी यहां पर फेच कर ली जाएगी। आप यहां पर देख सकते हो आपको यहां पर नीचे क्लिक टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए यहां पर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी यहां पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं आपने न्यू जो रजिस्ट्रेशन आया है, न्यू फॉर्म आए है, इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। अब यहां पर दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर आप देखोगे पार्ट 2 क्लिक हियर टू प्रोसीड यानी कि इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए यहां से आपको नीचे आकर के क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि यहां पर जो आपकी फीस है वो ऑलरेडी पेड है और अब आपको दोबारा से फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर आपको अपना सिग्नेचर और जो फोटो है वो अपलोड करना है। आपको यहां पर बताया कि आपके फोटो का फॉर्मेट और डायमेंशन कैसा होना चाहिए। सेम डायमेंशन के अंदर रह करके आपको अपने फोटो को अपलोड करना है और यहां पर जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपको डालने के बाद नीचे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहां पर वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें यहां पर आपको एड्रेस देखने को मिल पा रहा है, आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के नीचे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद नीचे आपके सामने किस वर्ग के कॉलेज संस्थान बालक बालिका के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्या आपने आवेदन किस वर्ग के आप अपना आवेदन किस वर्ग के कॉलेज संस्थान किसके लिए करना चाहते हैं, बालक वर्ग या फिर बालिका वर्ग। तो जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं उसी के सामने आपको टिक करना है और टिक करने के बाद नीचे आपके सामने डिक्लेरेशन है, यहां पर आपको आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके यहां पर यस करना होगा और फिर आपको यहां से यस नो में करना है कि हां मैं करना चाहता हूं और फिर या नहीं करना चाहता हूं। तो यहां पर हम यस कर देते हैं और यस करने के बाद सबमिट कंफर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है इन सभी का प्रीव्यू देख सकते हैं और फिर आपको यहां पर जो वेरिफिकेशन कोड दिया है वेरिफिकेशन कोड डालना है और डालने के बाद
पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप यूपी टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और एक बार फिर से इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।